क्या मशाल बुझ गई, क्या अमर रहने वाली ये जवान के याद में जल रही लौ बुझ गई, जैसे कि आरोप लग रहे हैं राजनीतिक। मैं बताना चाहता हूं रूबिका जी, ये गलत फहमी है, उसको दूर करना चाहिए। और हमारे बहुत महान वीर योद्धाओं जिन्होंने अपनी जान की कुर्बानी की है, अपना बलिदान दिया है, अपना खून पसीना देश के लिए इकट्ठा किया है, उनकी याद को श्रद्धांजलि जब हम देते हैं तो वो राष्ट्र का जो युद्ध स्मारक है वहाँ पे जो हमने एक ज्योति लगाई है उसको हम महत्वता देना चाहते हैं। उसके साथ साथ जो पहले महायुद्ध के और अंग्रेज़ों का अफगान वॉर जो था उसके जो शहीद थे वो भी हमारे पूर्वज हैं, वो भी हमारी शान है, तो उनको भी याद करने के लिए जो हमने अमर जवान ज्योति जो है इंडिया गेट के अंदर लगाई थी, स्थापित की थी, उसको आज के दिन मिलाया गया है, उसका जो लौ है उसको हमने राष्ट्रीय युद्ध स्मारक के साथ मिलाया है, उसको जोड़ा है, उससे हम सबको मान सम्मान देते हैं जो कि जिन्होंने अपनी जान की कुर्बानी की और देश के लिए उस हर चीज़ में देश के लिए उन्होंने अपनी कुर्बानी की। तो मैं कहता हूं कि इसमें सियासत नहीं जोड़नी चाहिए, जो हुआ है उसके साथ कोई किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वो लौ बुझी नहीं है, ये गलत बात है, कहते हैं लौ बुझ गई, वो लौ जो है वहाँ से अपने राष्ट्रीय युद्ध स्मारक की लौ के साथ जुड़ गई है और हाँ उससे हमारी शक्ति और मनोबल में बहुत फर्क पड़ेगा। और मैं चाहता हूँ कि किसी को इस कार्रवाई के ऊपर जो इतने शान सम्मान के साथ की गई है उसके ऊपर कोई राजनीतिक खेल नहीं खेलना चाहिए, ये हमारे शहीदों का बहुत बड़ा अपमान होगा, ये अपमान होगा अगर इस पर राजनीति होती है। वेरी वेल सेड जनरल सिंह, आपने कम लफ्जों में बिल्कुल वो जो बात देश का एक हर एक हिंदुस्तानी सुनना चाहता था और समझना चाहता था वो आपने बता दी है। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।